यहाँ पर टोटल लेंथ 100, एंटर। टोटल डाया यहाँ पे लिखिए 50, फिर एंटर। यहाँ पर कर दीजिए इसको 60, एंटर। ठीक है, अब इसको हमने चला के देखना है। खाली जगह पे क्लिक, अलार्म के साथ एरो पे क्लिक, फिर ग्राफ पे क्लिक, फिर सिमुलेशन पे क्लिक, उसके बाद रीसेट पे क्लिक, फिर स्टार्ट पे क्लिक। ये देखिए पहले यहाँ पे ग्रुप बच गया, फिर ये थ्रेडिंग होगी। इसको हम स्लो करके देखते हैं। सबसे पहले आप ये जो कीबोर्ड के ऊपर स्टार का बटन है, ये स्टार का बटन प्रेस कीजिए, फिर ये नीचे जो एंटर बना हुआ है छोटा सा, इसको प्रेस कीजिए, फिर दोबारा प्रेस, फिर दोबारा प्रेस, फिर प्रेस। अब देखिए हमारा टूल कहाँ पे आ गया, ग्रूविंग का। ये देखिए ऊपर X52 पे और Z-50 पे। 50 कहाँ पे है इसका, ये चीज 50 है, 3 mm तो ऑलरेडी आगे बढ़ गया ना ये, इसलिए हम इसको यहीं पे प्लंज कर देते हैं और ये 3 mm की चौड़ाई का ग्रूव यहीं पे डाल देगा। ठीक है जी, अगर हम इसमें 3 mm और प्लस करते तो 3 के बजाय 6 का ग्रूव डाल देता। ठीक है जी, यही कारण है कि हम जो पिछली ग्रूविंग की वैल्यू दे रहे थे उसमें हम लास्ट के लेंथ में से 3 mm चौड़ाई उसकी माइनस कर रहे थे। जितनी भी ग्रूव के टूल की चौड़ाई होगी वो आपने टोटल लेंथ में से माइनस कर देनी है। ठीक है जी, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 53 बन रहा था, तो हमने क्या किया, 53 में से 3 माइनस करके 50 पे इसको प्लंज कर दिया। उसके बाद ग्रूविंग का टूल हमारा पीछे चला गया, फिर ये थ्रेडिंग का टूल आया और इसने थ्रेडिंग करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है जी, ये देखिए